राजधानी रायपुर के तरुणेश परिहार को इंडियन क्रिकेट टीम का मैनेजर बनाया गया है। विगत दिनों बांग्लादेश दौरे के लिए बीसीसीआई की बैठक हुई थी, जिसमें सीजे अंडर 19 क्रिकेट टीम के सेलेक्टर तरुणेश परिहार को बांग्लादेश टूर के लिए इंडियन टीम का मैनेजर बनाया गया है। बीसीसीआई ने उन्हें 30 नवंबर को मुंबई बुलाया है। वह 27 दिसंबर तक टीम इंडिया के साथ बांग्लादेश टूर पर रहेंगे। तरुणेश वेटन क्रिकेट बॉडी में भी मेंबर हैं। नई जिम्मेदारी मिलने पर ग्रैंड न्यूज ने उनसे खास बातचीत की। आइए देखते हैं उनसे बातचीत के मुख्य अंश। इस वक्त हम मौजूद है तरुणेश परिहार जी के निवास पर, जिन्हें हाल ही में ही भारतीय टीम आगामी दौरे पे बांग्लादेश दौरे के लिए इन्हें अंतरिम मैनेजर बनाया गया है। आइए पूरी भूमिका पर नजर रख के पूछते हैं कि किस प्रकार की इसको आप देखते हैं। पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने जिस स्टेट के स्टेट क्रिकेट संघ जो है, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ जो है, उनका आभारी हूँ कि आज उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए बीसीसीआई ने छत्तीसगढ़ स्टेट के किसी भी कर्मचारी को या अभी की सपोर्ट स्टाफ को आज भारत में भारत के टीम के लिए सेवा देने का मौका दिया है। तो पहले तो मैं तो स्टेट क्रिकेट संघ को उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी हाल फिलहाल में जो सीरीज होने वाली है, जो 1 तारीख को जाएगी टीम जो ढाका, उसमें मुझे बुलाया गया है सपोर्ट स्टाफ के रूप में। और मुझे कल बॉम्बे बुलाया गया है। बॉम्बे में हम एक होटल में कंबाइंड होंगे और उसके बाद प्राइवेट जेट से पूरी टीम के साथ हम ढाका रवाना होंगे, जहां वहां पे 1 से 4 तारीख से मैच शुरू है और 27 तारीख तक मैच चलेगा। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए ये गौरव की बात है कि तरुणेश परिहार जो कि मूलतः रायपुर के निवासी है, उन्हें इस प्रकार से बड़ा पद देना कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए मान बढ़ाती है। जिस प्रकार से आप दौरा करने जाएंगे, तो आपकी पहली चुनौती किस प्रकार की रहेगी? पहले चुनौती तो इस प्रकार की कि जिस जो भरोसा बीसीसीआई ने हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ पे जताया है, उस पर मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इतने 1 महीने तक भारतीय टीम के साथ, जो कि बहुत बड़ी वर्ल्ड की बहुत बड़ी टीम है, उसके साथ मेरे को 1 महीने तक उनके साथ उनकी सेवा देना है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं अच्छा काम कर सकूँ और टीम के साथ रह के उनको मनोबल बढ़ा सकूँ, साथ में अपने भी छत्तीसगढ़ का भी नाम आगे कर सकूँ। मैं अमूमन बड़े मैचों में देखा जाता है कि भारतीय टीम जो रहती है, जो बड़े मुकाबले में कहीं ना कहीं असफल साबित होती है, इसका क्या कारण मानते हैं? नहीं, असफल साबित नहीं होती। देखिए क्या होता है कि टीम को जीत हार तो लगे रहता है, बट लेकिन कभी कभी क्या होता है, हर प्लेयर एक परफॉर्मेंस कट टाइम से ना गुजरता है, कभी का परफॉर्मेंस ख़राब होता है। जैसे विराट कोहली एक समय ऐसा चल रहे थे जैसे कि पूरे वर्ल्ड में नाम हो गया था, बीच में परफॉर्मेंस डाउन हुआ, लेकिन वो कम बैक करते हैं। तो आज इंडिया टीम देखिए, आप वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है, वनडे भी जीत चुकी है, T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है, तो अच्छा खेल रही है। और आगे जो कुछ प्लेयर ख़राब होता है तो वो अपने आप को सुधार लेते हैं, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो आप लगातार जो अंडर 19 के खिलाड़ियों को तराश रहे हैं, संवार रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे छत्तीसगढ़ की बात करें तो? देखिए मैं अंडर 19 का सेलेक्टर हूँ यहाँ पे, और पिछले साल हमने जो कूच बिहार ट्रॉफी होती है, जो डेज मैच होता है, छत्तीसगढ़ का एक सिंगल जो है कि इस फॉर्मेट में हम क्वालिफाई किए थे, जो बीसीसीआई के जो बोर्ड मैच होते हैं हम क्वालिफाई किए थे, जो हमारे लिए बहुत बड़ गौरव की बात है कि इस सेगमेंट में हमारी टीम क्वालिफाई हुई। और अभी भी कूच बिहार ट्रॉफी 2022 की चल रही है पे, जो कि भिलाई में मैच चल रहा है अभी फिलहाल। ये थे तरुणेश परिहार जी, जिन्हें हाल ही में बांग्लादेश टीम के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना ये होगा कि तरुणेश परिहार जी के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश दौरे में किस प्रकार से सिर जी के अपना नाम रोशन करती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ हेमराज डोंगरे, रायपुर।